ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल, और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 30 जनवरी 2019, बुधवार का दिन है, माघ मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, अनुराधा नक्षत्र है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो धनिया खाकर की यात्रा कर सकते। राहु काल जो कि दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 यानी 1:30 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मकर राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध मकर राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र धनु राशि में, शनि भी धनु राशि में, राहु कर्क और केतु मकर राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मिथुन, कन्या, तुला, धनु और कुंभ, ये 5 लकी राशियां रहने वाली है। इन 5 राशि वालों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, इनके लिए दिन सबसे अति उत्तम व्यतीत होगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। साथ ही 31 जनवरी के दिन षट्तिला एकादशी का महापर्व है। यदि आप षट्तिला एकादशी की कथा सुनना चाहते हैं या षट्तिला एकादशी के व्रत के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हमने आपके लिए षट्तिला एकादशी की कथा एवं विधि विधान का एक वीडियो अपलोड किया है, उसको आप जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। भाइयों की मदद आपको मिलेगी, काम धंधा बढ़ाने के लिए मेहनत की है तो उसका पुरस्कार भी आपको मिल सकता है। आज किसी समझौते पर आपकी सहमति हो सकती है जिसको आपको आने वाले दिनों में फायदा होने का योग है। आज आप कोई ऐसा कदम भी उठा सकते हैं जिससे कैरियर में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, कामकाज आपका बढ़ेगा, रुके हुए कामों में तेजी आएगी, एक से ज्यादा काम करने का मन आपका बन सकता है, इनकम आपकी बढ़ सकती है, सोचे हुए काम भी आपके पूरे हो सकते हैं। और उपाय के रूप में नदी या तालाब में काले कपड़े में कोयला रख करके यदि आप बहाएंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। नजदीकी दोस्तों और प्रेमी जनों की मदद आपको प्राप्त होगी, किसी बुजुर्ग या वरिष्ठ व्यक्ति से आप सलाह लेंगे तो समस्या का समाधान आपको निकल सकता है। उत्सुकता के कारण नई बात भी आप सीख सकते हैं जो आपके लिए बहुत हद तक फायदेमंद रहेगी। किसी लिखित बात का आपके जीवन पर गहरा और आश्चर्यजनक असर हो सकता है। किसी भी खास काम के नतीजे के लिए आपको धैर्य रखना चाहिए, समय का इंतजार करने में ही आपकी भलाई है। अपने काम पर ध्यान दें, अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, बिजनेस करने वालों की इनकम बढ़ सकती है। और उपाय के रूप में यदि आप शनि देव के मंदिर में जाकर के तेल का दान करेंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई गिफ्ट आपको खुश करने वाला साबित होगा। कोई भी बड़ा फैसला करने के पहले सोचे और किसी से सलाह लेकर ही कोई काम करे। जीवन शैली में थोड़ा सुधार हो सकता है, मन की बात मन में ही रखे। अपने पक्ष में कोई सफाई देनी हो तो भी उतनी ही बात करे जितनी जरूरी हो। खुद को शांत रखे और ठंडे दिमाग से उस पर विचार करे, वास्तविकता को समझे। आपके सामने आने वाली समस्याएं आपको आगे बढ़ा सकती है। आज आप उन कामों पर ध्यान दें जिनमें बहुत एकाग्रता की जरूरत होती है। कामकाज में आपका मन बहुत लगेगा, कुछ पुराने दोस्त भी आज आपको मिल सकते हैं। साथ ही यदि आप अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव भी प्राप्त होने वाला है। और उपाय के रूप में गाय को गुड़ और रोटी दोनों एक साथ खिलाएंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कुछ खास मामले आज आपके निपट सकते हैं, अपने नजदीकी दोस्तों से सलाह करने पर भी आपको फायदा होगा, दिन अच्छे से निकल जाएगा। लगभग हर मामले में आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना होगा, इससे ज्यादातर काम आपके समय पर पूरे हो जाएंगे। आप अपने नजदीकी लोगों के लिए भी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। प्रेमी से मिलने की इच्छा रहेगी, रोमांस भी रहेगा। किसी भी काम और फैसले को लेकर के संकोच आपको नहीं करना है तो ही आप फायदे में रहेंगे। छोटी
मोटी बातों की परवाह न करे, बड़े कामों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़े और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में यदि सिंदूर चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। निजी और कामकाजी जीवन में कुछ अच्छे बदलाव होने के संकेत है। नौकरी और कारोबार दोनों क्षेत्रों में आपको अपने व्यवहार में सुधार करना पड़ सकता है। अचानक यात्रा का योग बन रहा है, कामकाज में सफलता मिलेगी, काम के प्रति जोश रहेगा, ऑफिस या फील्ड में ज्यादा समय भी आपको देना पड़ सकता है। किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो साफ साफ बात करें, भाई बहनों की मदद आपको मिल जाएगी, इनकम भी बढ़ सकती है, अधिकारी वरिष्ठ जन आपसे खुश रहेंगे, खास लोगों के प्रति अपने व्यवहार में थोड़ी सावधानी बरतें, नकारात्मक सोच आपके ऊपर हावी हो सकती है, दूसरों के विचारों से आप थोड़े जो है तालमेल बना करके चलेंगे, उनका विरोध आप यथासंभव नहीं करेंगे तो आपके लिए दिन अति शुभ साबित होगा। और उपाय के रूप में आज आपको गेहूं या गेहूं का आटा या फिर कोई भी अनाज का दान करना अति शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। दूसरों की मदद करने से फायदा होगा, नए लोग, नई विद्या, नए क्षेत्र तक पहुंचने की आप कोशिश करें, कुछ क्षेत्रों में नई शुरुआत भी आप कर सकते हैं और इसकी सफलता भी आपके हाथ में रहेगी। आमदनी बढ़ाने के नए तरीके आपको पता चलेंगे। बिजनेस और नौकरी पेशा लोगों के लिए मेहनत भरा दिन रहेगा। आज की गई मेहनत आपको पूरा फल देगी। समय गंवाए बिना आपने बिजनेस को बढ़ाने या नए सौदों के बारे में आपको जो है मेहनत करना चाहिए और उसकी जानकारी निकाल कर उसमें लगातार आगे काम करते रहना चाहिए। हर किसी को समय देने के बजाय अपनी प्राथमिकता आपको तय करनी होगी। नया बिजनेस शुरू हो सकता है, विवाह का प्रस्ताव भी आपका प्राप्त हो सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप हरे रंग की कोई भी सब्जी खा करके निकलेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तनाव से बाहर निकलने में आपको मदद मिलेगी। आज आप दूसरों की मदद करेंगे, रिश्तों और दोस्ती को लेकर के कुछ नया करने की इच्छा भी हो सकती है। पुराने मामले सुलझाने के लिए समय सही है। दोस्त या प्रेमी के साथ संबंधों में सुधार की कोशिश आप कर सकते हैं। आप वही बात कहें जो आपका मन कहता है, इससे आपको अच्छे बदलाव करने के अवसर पैदा होंगे। घर परिवार की स्थिति में सुधार लाने के विचारों को समर्थन भी मिल सकता है। रोजमर्रा के सभी काम पूरे हो सकते हैं। भूमि, भवन या स्थायी संपत्ति संबंधी कोई काम आपका होने वाला है। माता के सुख में थोड़ी कमी आएगी। खर्चों पर सख्ती से नियंत्रण रखें। कुछ लोगों के कारण आप भावनात्मक रूप से परेशान भी हो सकते हैं। इसी प्रकार कुछ लोगों से बहस या अनबन या फिर वैचारिक मतभेद जैसी स्थिति बन सकती है। आपका ध्यान भटक सकता है। भाई बहनों का सहयोग थोड़ा कम मिलेगा, आप परेशान भी हो सकते हैं। और उपाय के रूप में यदि आप देवी जी के मंदिर में दूध की मिठाई चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। कोई खास काम या खास बातचीत आज होने वाली है। किसी चीज का आपको बहुत दिनों से इंतजार है, वह भी पूरी होने वाली है। आप कई तरह की समस्याओं से निपट लेंगे। लोग भी आपके लिए मददगार साबित होंगे। कुछ ऐसी घटनाएं घटित होगी जिनके बारे में आपको पहले से कुछ भी पता नहीं है, उन पर आपको बारीकी से ध्यान देना होगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। कार्यक्षेत्र में खुशी मिलेगी, अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहेंगे और वाहन का उपयोग आप सावधानी पूर्वक करें। वाहन में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान भी हो सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप अपने घर में किसी भी पेड़ में दूध और जल चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आज आपकी प्लानिंग सफल रहेगी, आप सक्रिय रहेंगे। आज आपको कुछ लोगों और घटनाओं से जुड़े इशारे मिल सकते हैं। जो बात आप काफी समय से मन में छुपाए हुए हैं वह आपके सामने आ सकती है। आप जो भी करेंगे बहुत सोच विचार कर करेंगे। कोई न कोई योजना बनाने के काम आपको जो है करने पड़ेंगे। छोटी बातों पर ध्यान देने से आपको कामकाज में सफलता मिल सकती है। आज आपको कोई भी काम यदि करना है तो एकाग्रता पूर्वक एवं मन लगा करके करना चाहिए। दूसरों के लिए आपको मददगार रहना चाहिए। और उपाय के रूप में बेसन से बनी कोई भी मिठाई आप खाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकान, जमीन, जायदाद या घर परिवार के मामले सुलझ सकते हैं। पॉजिटिव रहे और हर मामले पर खुले दिमाग से विचार करने के लिए तैयार रहे। कुछ नए लोगों से दोस्ती होगी,
कोई पार्ट टाइम काम भी शुरू हो सकता है। अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे। काम धंधे में भी कुछ लोगों की मदद आपको मिल सकती है। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिलने का योग बन रहा है। नया वाहन या फिर नई तकनीकी वस्तु आप खरीद सकते हैं या ऐसी कोई योजना आपके दिमाग में आ सकती है। और उपाय के रूप में किसी भी मंदिर में रूई घी और मिश्री का दान यदि आप करेंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। दिन अच्छा रहेगा। परिवार से जुड़े कई मामले दिल दिमाग पर हावी हो सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य को आपकी जरूरत हो सकती है। पारिवारिक गलतफहमी को सुधारने की कोशिश भी आप कर सकते हैं। इससे आपको कुछ हद तक सफलता मिलने का योग है। पुराने विवाद और परेशानियां आज समाप्त हो जाएगी। किसी पुरानी बात को फिर से उठाना समझदारी नहीं है। खरीदारी हो सकती है। आत्मविश्वास की कमी भी महसूस आपको नहीं होगी। सोचे हुए सभी काम पूरे हो जाएंगे। किस्मत का साथ आपको लगातार मिलता रहेगा। आपकी समस्त योजनाएं पूर्ण हो जाएगी। खर्चा थोड़ा कम होगा। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग की ध्वजा झंडा का आपको जो है दान करना चाहिए या अपने हाथों से अर्पण करना चाहिए, जिससे दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। अचानक आपको पैसा कमाने या धन लाभ का अवसर मिल सकता है। खुद पर भरोसा रखें। भाग दौड़ बहुत रहेगी। आसपास की यात्रा भी हो सकती है। कुछ महत्वपूर्ण लोगों से चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा और कुछ नई बातें भी पता चलेगी। मन की बातें किसी से शेयर करने की इच्छा भी हो सकती है। दोस्तों या भाइयों की मदद भी मिलेगी। कोई नया व्यक्ति आपसे संपर्क करने का प्रयास भी कर सकता है। और उपाय के रूप में हल्दी का दान किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को करते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।